Good morning, class 8. I am going to start your revision of chapter 1 of history, World During Modern Age. As you are seeing in this page, there are 10 or 11 topics of this chapter, from an overview of the 18th century to the rise of socialist thought and Russian Revolution. I am to finish only 5 topics of this in this clip, and all chapters are finished within two clips. So let's start it. This is your first topic, an overview of 18th century. तो 18th century में history जो था, पहले उसके प्रायोरिटाइजेशन को देखते हैं. हिस्ट्री 3 पार्ट में था, यह है एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री. चूँकि आप एंशियंट और मेडाइवल क्लास 7th में पढ़ चुके हैं और मॉडर्न आप अभी पढ़ने जा रहे हैं, जिसको मैंने यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक यूरोप का मॉडर्न हिस्ट्री और दूसरा इंडिया का. यूरोप का हमने बताया था कि यूरोप में मॉडर्न हिस्ट्री 15th to 16th सेंचुरी में शुरू हो चुकी थी, जबकि यही मॉडर्न हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है वो इंडिया में क्या है, 1707 to 1947. तो ये जो 18th सेंचुरी था, इस 18th सेंचुरीज में बहुत सारे बदलाव हुए यूरोप में. तो वो बदलाव जो हुए उसको पॉइंट वाइज हमने यहाँ पे नोट किया है. बदलाव क्या हुए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, मतलब औद्योगिकरण, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई, नए नए शहरों का क्या हुआ, डेवलपमेंट या ग्रोथ हुआ, और लोगों के बीच में नेशंस को लेकर के जो भावना थी वो भी जागने लगी. क्योंकि 18th सेंचुरी जब इंडिया में स्टार्ट होती है और मॉडर्न पीरियड जब स्टार्ट होती है, तो यहाँ इंडिया दूसरे कंट्री का कॉलोनी होता है और इंडिया पे वो शासन करते हैं, और उन्हीं के दरमियान में यहाँ पे स्टार्ट होती है मॉडर्न हिस्ट्री. यानी अंग्रेज के बारे में हम बात कर रहे हैं, और अंग्रेज जब आते हैं तो मुगल एम्पायर ख़त्म भी होती है. तो हम ये देख रहे हैं 18th सेंचुरीज का एक शॉर्ट व्यू. अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे. तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है रेनेसांस एंड इट्स इफेक्ट. शायद किसी स्टूडेंट्स ने पूछा, रिक्वेस्ट किया शायद सौरभ सर से कि ये पेज का पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा है. तो मैं वैसे स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट हो, किसी पेज का कोई लिखावट समझ में ना आए या इमेज धुंधला हो, तो आप परेशान ना हो, बल्कि जब उस चैप्टर का मैं रिवाइज करूँगा तो रिवाइज में मैं फिर से इस पिक्चर को आपके सामने रिज्यूम करूँगा, तो आप वहाँ से फिर इसे आप कवर कर सकते हैं. तो हड़बड़ाने की बात नहीं, यदि आप किताब खरीद लेते हैं तो और अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप कॉपी लेके बैठिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए. सो इसे साइड करते हैं, आप रेनेसांस एंड इट्स इफेक्ट को समझिए. रेनेसांस मीन्स हम क्या बताते हैं, रेनेसांस मीन्स रिवाइवल और रिवर्थ ऑफ लर्निंग, यानी सीखने की शुरुआत या सीखने का पुनर्जन्म, या इसको हिंदी में कह सकते हो पुनर्जागरण. और ये एक ग्रीक वर्ड था और ये स्टार्ट हुआ यूरोप में इटली से, और इटली से पूरे यूरोप में फैला. जैसा कि इसमें क्या हुआ कि इसमें मूवमेंट स्टार्ट हुआ चर्च की, जितने भी प्रथा थी उस समय, चर्च का जो पावर था, उस जो करप्ट प्रैक्टिसेस थी, उन सब के विरुद्ध जो मूवमेंट हुआ उसे कहा गया प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट. आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ बता देता हूँ कि क्रिश्चियनिटी 2 भाग में बटी थी, एक कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट. तो ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट है. अब ये जो रेनेसांस है, इसका इफेक्ट क्या पड़ा, तो हम इफेक्ट देखो पॉइंट वाइज लिखें. पहला इफेक्ट क्या है, नए टाउन्स और सिटीज़ का इमरजेंस होना, जैसे मिलान, रोम, वेनिस, लंदन, पेरिस. सेकेंड पॉइंट, जो नए मर्चेंट क्लास का इमरजेंस होना इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से, और इन्हीं मर्चेंट क्लास के साथ साथ नए मिडिल क्लास जैसे डॉक्टर, टीचर्स और लॉयर्स का भी इमरजेंस होना. तीसरा पॉइंट, नए स्टेट्स बनना और उन नए राज्यों में जो फ्यूडुअल सिस्टम थी, मतलब सामंतवादी प्रथा थी, उससे उसको छुटकारा दिलाना. आगे न्यू स्कूल और कॉलेजेस भी खोली गई. तो ये था रेनेसांस.
एंड दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में दो टॉपिक आपको पहले समझना होगा, या आपने पढ़ी होगी पीछे के क्लिप में। हमने पहले बताया डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, और इसमें क्या हमने बताया था कि इस सिस्टम में हरेक गांव में गांव की ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे या छोटे छोटे ट्रेडर्स होते थे जो हाथ से ही प्रोडक्शन करते थे और गांव की ज़रूरतों को पूरा करते थे। तो इस तरह के प्रोडक्शन को कहा जाता था डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। बट जब लोगों की संख्या बढ़ी, लोगों की डिमांड बढ़ी, ज़रूरतें बढ़ी, तो हाथ से बनाए प्रोडक्ट से उनकी पूर्ति कम होने लगी। उसी चीज़ को पूरा करने के लिए एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ जिसे कहा गया फैक्ट्री सिस्टम। और फैक्ट्री सिस्टम में कोई एक ही व्यक्ति अपना पूंजी लगाता था, इन्वेस्ट करता था। किसके पीछे इन्वेस्ट करेगा? वर्कर्स के पीछे, मशीन्स के पीछे, रॉ मटेरियल के पीछे, और फिर वो प्रोडक्शन करेगा। तो इस तरह के सिस्टम को कहा गया फैक्ट्री सिस्टम। अब इस तरह का यानी इस तरह का जो बदलाव हुआ प्रोडक्शन में, इसी को कहा गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का सबसे पहला जो कंट्री था जहाँ से शुरुआत हुई थी वो था इंग्लैंड। और इंग्लैंड में इस रिवॉल्यूशन की वजह से बहुत ही अलग अलग टेक्निक का आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुआ, जो आप यहाँ पेज में देख रहे हो। स्पिनिंग जीनी, जेम्स हारग्रीव्स, बटर फ्रेम, आर्कराइट, पावरलूम, कार्टराइट, म्यूल, क्रॉम्पटन, ये सब मशीन है जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का ही परिणाम था। अब यहाँ हम देखते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल कि इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से क्या क्या इन्वेंशन हुआ। आपको सबसे पहले ये याद रखना होगा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में सबसे पहला जो इंडस्ट्रीज एक्सपैंड हुआ वो था टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और कॉटन से रिलेटेड था, इंडिया से मंगाई जाती थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े का प्रोडक्शन हो इसके लिए कॉटन टेक्सटाइल से जुड़े हुए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंशन हुए। उसमें यहाँ पे हमने लिखा है कि फ्लाइंग शटल का के ने आविष्कार किया, स्पिनिंग जेनी का हारग्रीव्स ने, कॉटन गिन का एलिवेट ने, स्टीम इंजन का जेम्स वाट, और इन सब का कुछ ना कुछ काम है जो पिछले क्लिप में पढ़ाई गई थी। और इसके वजह से मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से कम्युनिकेशन भी सुधरी, सी रूट्स का भी निर्माण हुआ यानी पता लगा, और लोग यानी यूरोपियन लोग एक जगह से दूसरे जगह जाना और आना प्रारंभ भी कर दिए। एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ रिवीजन क्लिप और योर फर्स्ट चैप्टर कंसिक्वेंसेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इस कंसिक्वेंसेज मतलब इफेक्ट या आउटकम या कह सकते हो परिणाम। तो यहाँ पे तीन पार्ट किया हुआ है, इकोनॉमिक यानी इकोनॉमिकल फील्ड में, सोशल यानी सोशल फील्ड में, और पॉलिटिकल फील्ड में, यानी इन तीनों क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो प्रभाव पड़ा मैंने उसे एक्सप्लेन किया है, बट यहाँ पे फिर से उसको बताना चाहूँगा। पहला इफेक्ट क्या पड़ा इकोनॉमिकल फील्ड में, जो फ्यूडलिज्म थी वो ख़त्म हो गई। दूसरा, जो फार्मर थे प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से, मशीन की वजह से ये लैंडलेस लेवर में कन्वर्ट हो गए, और एक नया इन्वेंशन हुआ कैपिटलिज्म का मतलब पूंजीवादी व्यवस्था आई। समाज में क्या देखें, दो वर्ग बन गया, एक वो क्लास है जिनके पास कैपिटलिस्ट थे जिनके पास पूंजी था, जिन्हें हैव्स कहा जाता था, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, और एक दूसरा जो बेज अर्नर थे जिन्हें हैव नोट्स कहा जाता था। तीसरा, पॉलिटिकल में हम क्या देख रहे हैं कि इसी के वजह से समुद्री यात्राएं बढ़ी, और समुद्री यात्रा के वजह से एक कंट्री दूसरे कंट्री में अपना मार्केट स्थापित करने लगा और दूसरे कंट्री को अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपने अंडर में लेना शुरू किया यानी शासन करना शुरू किया, तो कॉलोनाइजेशंस की शुरुआत हुई। तो ये सब के सब आउटकम्स किसका हुआ? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। अब पूरे चैप्टर का आप वन बाय वन पेज बाई पेज आप बस देख लें, अगले क्लास में इसको रिपीट भी कर दूंगा मैं। ये आपका इम्पेरियलिज्म और कॉलोनिज्म का इमेज है। एंड दिस इज द पेज ऑफ नेक्स्ट टॉपिक द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। एंड दिस इज नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसमें भी बहुत सी बातें बताई गई थी, आप देखें, अगले क्लास में रिपीट भी करूँगा। और ये रहा आपका ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, इसमें भी अच्छे अच्छे टर्म देखने हैं। ये है आपका लास्ट टॉपिक रशियन रिवॉल्यूशन एंड सोशलिस्ट थॉट। एंड हो सके तो आप इन सारे टॉपिक्स का मतलब नोट बनाने की कोशिश करें रफ कॉपीज में, जब क्वेश्चंस मिले तो उसे सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। यही अभी होमवर्क आपके लिए है।